वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन् धूप की तरह श्याम और ये है काजल की तरह श्याम, विष्णु भगवान आकाश की तरह श्याम और विष्णु भगवान जैसे आकाश स्वच्छ और कलाकार नीले ऐसे ऐसे वर्ण है विष्णु भगवान और करने ये है काजल की तरह ऐसा करने यह है विचित्र है। सखिया ने विचार किया ये इतना काला कैसे हो गया, देखो नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, दाऊ लाल दाऊ दयाल गोरे और ये काला कैसे होगा, क्योंकि तो क्या कारण है, तो कारण अब समझ में आ गया। एक कजरारी अंखिया में रमे रे दिन रात, अपने काजल डालते हैं ना उन आंखों में हरदम रहता है वो काला हो गया। कजरारी अखिया में रमे और जनरा प्रीतम प्यारो ताते सोना हो काजल काजल लगी हुई इस वक्त खड़ा हो गया। मैं तो बोले परिवार सब गोरवार एक काल कैसे हो जाए उस परिवार में, नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, रोहिणी मैया गोरी, ऐसे दाऊ दयाल बड़े भैया भी बोल एक ही काला का ये काम स्वामी जी कितने आदमी आए काली को देखने से गाड़ी आई है काले को देखने आई बड़ी बड़ी गाड़िया लंबी मोटी मोटी ऐसी जोर से बोले हल्ला करे हमारे वहां आकर चले आप
हमारे गाड़ी में ठाकुर जी आए, जगन्नाथ जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज मंदिर हरे कृष्ण हमारे अंग्रेज है ना बोला ऐसे ठाकुर जी हमारा कीर्तन होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हमारे रोज जगन्नाथ ऐसा सुंदर सजाया हमने भगवान कृष्ण और बलदाव और बीच में बैन सुभद्रा छोटी सी गुरु भैया बड़े धूम मचा दे सब गांव में गोदगा कह दे रात तेरह ब्रिज कट रहा नहीं जाऊ तेरे गांव में और ऐसा तंग करता है हम तेरे गांव में नहीं रहे ऐसी बात बड़ी चलो वैसा संतों भी संसार में जितने महिमा सब संतों भगवान की महिमा है वो भी संतों संतों की महिमा है वो संतों संतों के लिए भगवान अवतार लेते भगवान के लिए संत अवतार नहीं लेते भजन करते अवतार संतों के लिए होता है भगवान का तो जितने संसार में शुभ बात है शुभ वासना है शुभ जितनी है साधना है जो कुछ है सब के मूल में संत जितने तीर्थ है व्रत है जितने जितने ये पवित्र भूमिया है सब संतों से गंगा जी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक है वहां जहाँ संतों ने तपस्या की है ब्रह्मा जी ने की ब्रह्म कुंड संतों ने तपस्या की यहाँ तीर्थ हो गया विशेष गंगा जी सब जगह ही भगवान विशेष महात्म संत क्या होता है संत संत पन होता माताओं में होता है संतों पुरुषों में होता जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए वो संत सच्ची वस्तु को पकड़े वो संत असत वस्तु को पकड़े वो असंत संतो साच ग्रहण के सीधी हम तो साच ग्रहण के सीधी संतों के हम तो सत्य को पकड़ने वाले हैं उसके हम तो सीधी है शासन अकरार हिस्सेदार तो जितनी महिमा है सब उनकी अग्रदास जी महाराज कीलदास जी महाराज संत हुए हैं उनके शिष्य हुए हैं नाभाजी महाराज उनको कहा तुम भक्तों के चरित्र को नाभाजी महाराज ने कहा कि भगवान भगवान का चरित्र मैं कह सकता हूँ संतों के नहीं कह सकता तो कहा कि संत तुम्हारे हृदय में आकर बात बताएंगे तो कह दू तब भागो भक्तमाल बनाई भक्तों की महिमा भगवान से विशेष पर है भगवान से भगवान का संबंध नहीं हो तो भक्तम जयराम उनका खुद का कुछ नहीं ऐसे भगवान की महिमा हुई सर एक संतों से बात मिली है भाई मिली हुई बात सुना आपको गीता में कर्मयोग आता है कर्मयोग तो कर्म करे संसार के लिए अपने लिए कुछ नहीं करे भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय और समाधि भी दुनिया गेट के लिए करे अपने लिए भी तो एक विचित्र बात हमने पढ़ी महाराज कहते हैं कर्मयोग कर्म नहीं है कर्मयोग कर्म नहीं दूसरों के लिए कर्म करना वो कर्म नहीं
वो दूसरों को जो अपना मान लिया वो अपना न करके दूसरों के लिए करना, ये त्याग है। शरीर की संसार के साथ एकता, स्थूल शरीर की स्थूल संसार से एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता। तो संसार का हिस्सा केवल संसार की सेवा में ही लगा देना वो कर्म होता है, परंतु अपना अपन हटा लेना ये योग होता है। तो अपना हटा लेना त्याग हुआ, कर्म नहीं हुआ। और जिनकी चीज है उनको दे देना ये सेवा हुई। तो अपनी सेवा क्या है? अपनी सेवा नहीं, वो तो सेवा होगी। मानो अपना जो दूजी अपना ली थी उस चीज को दे दिया उनको, तो अपनी नहीं थी अपना अपन उठा लिया, जिसकी थी उसको दे दी, तो अपना अपना हटा लिया हुआ त्याग। जिसकी उसको दे वो होगी सेवा। त्याग और सेवा का नाम है कर्मयोग। अब ध्यान देना जरा, त्याग किया उसमें अपनी चीज को तो छोड़ा ही नहीं, अपनी नहीं थी उसको अपना मान लिया, उसका त्याग किया, तो त्याग जैसा ईमानदारी हुई, बेईमानी से बचे। उन चीजों को अपनी माननी हुई बेईमानी, तो त्याग क्या हुआ? बेईमानी का त्याग। और जिसकी थी उसको दे दी, तो ईमानदारी ये भी उसको दे दी, ये सेवा होगी। तो सेवा अपने घर ने क्या की? उसी की चीज उसको दे दी। जैसे कोई शहर में आवे, 10,000 रुपये का नोट है, एक दुकानदार हो गया, भैया तुम रख लो, हम जाते हैं भीड़ भड़का में, कहीं जेब कतर लेगा तू, दे घूम कर आया वो ले और के तुम्हारे ले जाओ। तो क्या उस दुकानदार ने रुपये दिए? वो तो उसी के थे, उसको दे दिए। वो सेवा मान लेता है उसकी बड़पन की बात, अपनी तरफ में क्या दिया? ऐसे संसार से लिया हुआ है शरीर, ये संसार से बड़ा है वो शरीर, पता है कि नहीं? अन्न जल आदि माता पिता ने लिया, उसे ये शरीर बना, और अन्न जल संसार का उसे ये पला, और गुरुजनों से शिक्षा मिली वही संसार से मिली, योग्यता मिली उन्हें। घर की चीज क्या है बताओ? घर की चीज अभिमान, ममता, पक्षपात, ये घर की चीज है डुबोने के लिए। ये घर की चीज बनाओ, जो उन्हें बनावे है जो रहे ईमानदारी तो मुक्ति हो जाए। बंधन नाम बेईमानी का, बेईमानी सर्वथा छूटी मुक्ति, और बेईमानी सर्वथा छोड़ गए वही संत। तो संसार की संसार को दे दी, तो अपने नहीं थी उसको छोड़ दिया, तो ये विवेक हुआ, त्याग हुआ, कर्म नहीं हुआ। और जिसके चीज मिल गई वो विवेक पूर्वक उनकी थी, उनको दे दी, ये सेवा हो गई। ये सेवा, सेवा क्या हुई? उसको दी, उसको दे दी, अपनी तरफ से कोई सेवा नहीं, ना अपना त्याग किया ना अपनी सेवा। तो कर्मयोग में कर्म नहीं है, त्याग है, सेवा है। पर सेवा और त्याग के भीतर भी विवेक है। विवेक नाम सत असत नित्य अनित्य जो अपनी वास्तविकता है, उस वास्तविकता को जाना, तो क्या किया? वास्तविकता जान लिया, अपना नहीं, उनकी सेवा में लगा दिया। तो संत वही होते जो छापा न मारे, डाका न डाले, हड़फे नहीं, तो संसार की चीज संसार में दे, मस्त हो जाएगा, अपना कुछ है ही नहीं। तो संसार की चीज दे दी संसार को, और भगवान का अंश वो दे दिया भगवान को, सब कर्जा उतर गया, मौज हो गई। भगवान को भगवान की चीज नहीं देते, संसार की चीज संसार को नहीं देते, ये हुई बेईमानी, इसी के नाम बंधन। संतान का धनवत धर्म जो ना करे, धनवान होकर धर्म नहीं करे, और नरपद करे न्याय, भक्ति करे नहीं भगतड़ा।
भक्ति करे नहीं भगतड़ा अब कीजे कौन उपाय, कीजे कौन उपाय सदाई सुन दो मारी। दो बहती रे पूर नदी आवे, नदी जब आवे भारी जोर सु बाढ़ आवे पत्थर बांध रे पत्थर होता जाए गड़ींदा खावता धरती चिकेन पाव। धनवत धर्मज ना करे नरपत करे न्या और भक्ति करे नहीं भगतड़ा होता। अब क्या करा भगतड़ा में नाम लिखा दे सत्संग जावे सत्संग में नाम लिखा यार भक्ति करे नहीं संसार का धन चावे आराम चावे सुख चावे मान चावे बड़ाई चावे ये सेवा करे बताओ कोई आदर करे तो राजी नाराज करे नाराज तो भगत हो राजी राजी नाराज राजी कुत्ते से बोले कुत्ता राजी हो जाए दुर्गा वो नाराज हो जाए तो भक्तों में कुत्ते में क्या फर्क बताओ पूरा भक्त कहला दे सही जो नहीं निराद्र सहा नहीं जा भक्त हो गए भक्त हो गए कम भक्त हो क्या हुआ तो ये बात संतों के मिली हमें तो संतों से संतों से मिली हुई बात के हमारे को संत के दिलो अतार होता कई आतर सुगंधिदार चीज आतर तेल फूले बेचने वाला वो तो लाता है देता है सुगंधि बीज में उसके भी हो जाए कपड़ा में हाथों में सुगंधि हम तो लाते हैं बेचते हैं सुगंधि हो जाती लोग कहते नहीं सुगंधि आप जयराम जी यार कुछ नहीं है लोगों ने है जिसमें है कुछ नहीं समझे। अब उसी चीज को अपनी मान ले गलती करनी कभी हम बस गोविंद ठाकुर जी को तो ठाकुर जी दे दे संसार की संसार को दे दे बस हमें वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन वनश्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी वनश्रेष्ठानी प्रकृति से प्रकृति दे दे वंश वंश भगवान का अर्पण कर दे अपने जयराम जी कुछ नहीं अपना कुछ नहीं वही सन अपना कुछ रखता तो कुछ ही मिलता है कुछ नहीं रखता तो सब कुछ मिलता लेकिन मौजूद अपना कुछ नहीं तो सब कुछ है और कुछ ले लिया तो कुछ ही मिलेगा तू सिर वो बिठाएगा नहीं तो घटे नहीं रहा ना हमारा कुछ नहीं तो सब कुछ ठाकुर जी कहते हैं मैं भी ऋणी हूं बोला हनुमान जी से कहते हैं धन को तुम पत्र लिखा तू धने गए भाई पत्र लिखा खत लिखवा ले पैसा देने को नहीं हो तो लेख लिखा दे कर्जदार ठाकुर जी कर्जदार हो गए हनुमान जी के हाँ हनुमान जी से कहते धनी को तो पत्र लिखा धनी का भाई मेरे से खत लिखवा ले देने को हो तो खत क्यों लिखा दे दे देने को नहीं हो तो खत लिखा हमारे ऊपर लिख दे भाई इतना कर दे इतने इतने शर्मिंदे हो गए ठाकुर जी कब प्रति उपकार करू मैं तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा ज्यादा कर्जा रुदा सामने दिखे कर्जा तो राम जी कहते हैं सन्मुख हो न सकत मन मोरा मेरा मन तुम्हारे सन्मुख नहीं शर्मा कर्जदार को शर्म तो क्या करे काजो कर्ज चुकाओ नहीं तो शर्म रहेगी। राम जी कहते हैं मैं कर्जा तो चुकाना चाहता हूँ मेरा प्रत्युपकारार्थ जो प्रत्युपकार करना चाहता है वो विपत्ति में भी मांग सकती वो विपत्ति चाहता। अब हनुमान जी का कर्जा कैसे दूर हो हनुमान जी का बाप तो निकाल दे जंगल में और लुगाई को ले जाए राक्षस वैसे में राम जी करे सेवा
ऐसी आपदा जो करे, ऐसी आपद तेरे में आवे ही नहीं करे। मैं तो कर्जदार रहूं पर तुम्हारे सेवा का मौका पड़े नहीं। ये बात, ये संतों का लक्षण है। लंगनी लंका में जाने लगे तो के मेरा निरादर कहां कर, कहां जा रहा है मेरा निरादर कर दे, खा जाऊं मोर आहार जहां लगी इसमें चोर वैसे सबका मेरा आहार है, कितने चोर है उसको खा जाती हूँ, चलो छोड़ के चलो खा जाऊं, मेरे खा जाएगा मुक्का खाया, खाया तो सही मुक्का मुठिका एक ताय का भी है नहीं मारी तो दूध ही बाबू मुंह से खून निकल गया तो कर ताके दे हनुमान जी मारा खुश हो गई और कहा कि बता तो स्वर्ग अब बारे का सुख धैर्य तुला एक स्वर्ग और मुक्ति का सुख भी एक तरफ रखा जाए और एक तरफ लव सत्संग थोड़ा सा सुन तो वो सत्संग के समान मुक्ति भी नहीं दी, जो सुख लव सुख असुख खून मुड़े बह रहा है ये सुख है देख लो, परंतु भगवान का दूत देखो आज राम कर दूता, राम जी के दूत के दर्शन हो गए, राम जी के दूत का स्पर्श हो गया, इतने में खुश होगी राक्षसी बोलो। ये संतों लंका में खोजते खोजते श्री कृष्ण का घर देख ते ही समय विभीषण जाएगा राम राम को सुमरण जाएगा राम राम किया जाएगा, हनुमान जी देख रहे लंका में कहां से आ गए, लंका में भगवान का नाम ले इनसे हट करियो कोई जानी साधु तो हो इनकार जाने, हनुमान जी तो उसको साधु मानते वो हनुमान जी को साधु मिले तो कहा भैया देखी तो जानकी माता मैया के दर्द करा रहे मेरे को तो माँ के दर्द करा रहे माँ के दर्द करना चाहते देखा जाओ क्या जानकी माता हनुमान जी ने युक्ति बता दी, ऐसे अशोक वन है वहां अशोक वृक्ष जी बैठी भगवान का नाम ले रहे नाम पारो दिवस निशी ध्यान कुमार कपा लो चर निज पद जंत्र प्राण जाय की बात ताला जाता ऐसे वहां जाकर सीता जी दर्शन की तो विभीषण से पता लगा, भगवान का पता लगाते हैं संत, संत में पता क्या लगे भगवान का कुछ पता नहीं, हनुमान जी महाराज मैया के दर्शन के लिए आए सब देखा रावण को भी सोता देखा कई राक्षसों को देखा बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियों को देखा, स्त्रियों को देखता है तो सीता का भय होता है ये सीता जी है ये सीता जी है, नींद आई हुई तो उनके पास में जाता है मुंह सुनकर ये सीता जी एक तो आराम से सोई है सीता को आराम थोड़ा ही मिलेगा वो यो आराम से गद्दा पर सो नहीं सकती सीता जी, दूसरी मरिया गंदा मुंह से मरिया की गंदा ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर सी नाग कन्या देव कन्या अवसरा बहुत सुंदर हरदाय वर्मा श्रेष्ठ श्रेष्ठ जहां से उठा ला हनुमान जी के मन में आया अरे मैं तो हूँ ब्रह्मचारी स्त्रियों को देख रहा हूँ स्त्रियों की सोती हुई को कोई कहीं अंग अंग खुला देख जा कोई कुछ देख जा सोती हुई माताओं को देखना अच्छी
अच्छा नहीं है, ब्रह्मचारी हूँ, ऐसी शंका हो गई। मैं शिव को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, मैं तो माँ को देखता हूँ, मैं तो शिव को देखता ही, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ माँ फिर देखने लग गया। दूसरे शंका मिट गई, मैं शिव नहीं देखता, मैं तो माँ को देखता हूँ। अब माँ तो मेरे श्री वेश में ही है, वह उसे ही पता नहीं, माँ नहीं गई, माँ के लिए व्याकुल है। कोई मिले विभीषण से पूरे माँ का पता पूछ। अब माँ तो माँ को जाकर देखा तो अशोक बन गए, भटके बैठी, भगवान का नाम ले बैठी। अब सोना कहा वहां आराम से लगे, उसी समय में रावण आता, उनसे चल गए बंदरी बिचारे, अब बैठ वही आसन है इनका, वही घर है, ताड़ना करी। तो हनुमान जी को बड़ा कठिन हो गया समय का, माँ को दुख दे रहे। हनुमान जी आवे जोश जो थे, राम जी ने कहा, श्याम बाबा ने कहा कि देख करके आ जाना, बुरा बड़ा मत करना, देखो राम जी फिर बंदरों की सेना के जाएंगे, रावण मार्ग सीता बोला है, तुम तो इतना ही करो, देखकर आ जाओ और खबर कर दो राम से, बस इतना ही करो, तुम करेगी अब सर चुप साहब बैठ और कह तो दे रहे पटक उठा कर दे सब। हमने नहीं कहा चौपट करते हो गांव, राम जी ने हुक्म नहीं दिया थे गांव को चौपट कर देते सब, तेरे को मार करके सब काम कर दिया। ऐसे हनुमान जी के मन में था आज्ञा नहीं हुक्म नहीं, हमारे को खबर ले आ गई ऐसे गए। और माँ से मिले सामने वृक्षों के फल लगे, माँ को देख के बालक को भूख लगी जाती, सुनिए और माँ कैसे वाले था कुछ खा ले मीठा खा ले, माँ को तो खिलवाने में आनंद आता है, सोरे खाने में आनंद आता है। माँ से कहा माँ ये सुंदर सुंदर फल लगे हैं, मेरे को तो भूख लगी, छोटा सा माँ के बड़ी चिंता हो रही है। वो राक्षस को देखा तो एक कवा कर ग्रास एक हनुमान जी डरा हुआ माँ बिना ऐसा नहीं करना, तो तेन का डर माता मुई ना है, या उनका डर मेरे को नहीं लगता, तुम अगर प्रसन्न हो तो मारो तो स्वभाव है खिलाकर राजी हो, सोरो किस तरह से खा ले, माजी तो राजी हो जाए। अब लगाया महाराज माता री आ गए, जब पहुंचे भवन कुमार, अब माँ की आज्ञा हो, माँ ने कहा देखो बेटा जमीन पड़ा खा लेना पड़ो, सोरो तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, राक्षसों का काम है, जमीन परा हुआ फल। हनुमान जी महाराज रोंगड़े उखाड़ कर जमीन पर हो गए, इन पर मान गया जमीन में पड़े हुए उखाड़, बढ़िया चांद देगा रोंगड़ा उखाड़ करके सब फल जमीन पर, सब अच्छे से राक्ष आया तो हमारा जोश मार करने लगा, क्यों खत्म कर दिया, ऐसे पूछ गाते फट जा रहे थे बेचारे, ऐसा खत्म पूछ नहीं सकते, ऐसे
ऐसे करने लगा। रावण को जाकर कहा महाराज एक बंदर आया है, वन विध्वंस कर दिया, वन नष्ट कर दिया, अशोक वाटिका नष्ट कर दी, लाओ लाओ उनको पकड़ कर लाओ, पकड़ ले वो तमाशा है, आओ पकड़ो जो कोई हाथ लग जाएगा तो ऐसे मसल दे जितने खत्म बजरंग ठहरे उसका अंग बजर का ऐसे हनुमान जी महाराज का स्पर्श हो गया निहाल तो पर प्राण हाथ बैठे जीवन समाप्त हो गया। वे कहने लगे भाई काल आ गया, अब राक्षसों का तो काल आ गया, मौत आ गई। अक्ष कुमार को भेजा, ये अक्षय है, हनुमान देव कैसा अक्षय है, एक लात बीमारी खत्म। तो बोले जा हल्लो मच गया लो, अरे अक्षय कुमार को मार दिया, मैं ही ना दूंगा, मैं जाता हूँ। बड़ा रथ सजा करके अस्त्र शस्त्र लेकर के साथ हनुमान जी ने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ करके फट गया वृद्ध की नर लंकेश की रथ घोड़ा सब शुरू हो गया, वो कोई घर अलग से नहीं, वो खत्म हो जाता हो गया। करे बिना जीतने जाए प्रभंजन गया, बहुत करे बिना हनुमान जीतने में नहीं आते, जोर लगा लिया सब। तब उसने ब्रह्म अस्त्र बांधा, हनुमान ने देखा कि ब्रह्म अस्त्र नहीं मानूंगा तो महिमा घट जाए, ब्रह्मास्त्र से बंद गए सब, ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो पड़े नीचे नीचे देवा पांच आदेश पढ़ते पढ़ते मार दिया। अब नाग पास में बांधा उसे, बांध कर ले गया। रावण पूछा तू कौन है, कौन बंदर किसका है, क्या जो ये सूर्य पालन को श्रृंगार करता है और जिसका बल थोड़ा सा लेकर के तू त्रिभुवन का राजा बने, जिसका बल छोटा है, अरे जिसकी स्त्री हर कला है उसका हूं मैं दास। देश को मारो, मरण मास लगे मारे हुए मामूली चीज है, कैसे तेईस बड़े भीषण भीषण आ गए, वो कहते नीति विराध ने मारिए दूसरा, नीति विरोध से दूत को मारना नहीं चाहिए, अंग भंग करो बठो बंदर, इसका अंग भंग करो क्या करेंगे, बंदर को पूछ बहुत प्यारा होता, तो अब जाओ उस आग लगाओ। वो सीता जी के पास मेरा त्रिजटा एक राक्षस रहती, वो सीता जी की सेवा करती, उसने समझ गया मेरा तो अहो भाग्य जो सेवा मिली, सीते से करो हित अपना शुरू करे, सीता जी सेवा करे हित कह लो तो मौका खो रही सीता की सेवा। त्रिजटा ने कहा कि मेरे को स्वप्न आया है, सपना में सुपने बांदर लंका जा रही, बांदर ने लंका बाल दी, हनुमान जी ने कहा भाई लंका कैसे बाले, कहां से तो आग लावे कहां लगावे, तो बाबा जी जाते उनको पास में कपड़े हनुमान जी महाराज। अब लोगों ने कहा ऐसा करो, रावण ने कह दिया कि जो पूछ है कपड़ा लपेट कर तेल में तरान कर गए, फिर लगा दो आग। हनुमान जी ने कहा भाई सहाय शारद में जाना, अब जान दिया सरस्वती ने सहायता, अब सामग्री तो ये सब दे देंगे, ये काम कर दूंगा मैं,
अगर पूछ बढ़ाना शुरू किया मारा बढ़ाते ही जाए और कहते वहां घीर तेल रहा अगर लंका में रोई लाग लपेटते रहे और वो पूछ बढ़ जाएगा हाँ तक जाए कुछ बताए ऐसे लगार फिर जाए सलाह शहर में घुमाओ देखो इस्लाम ने ऐसी दिशा करी घुमा करके मंदे हुए थे आग लगाई छोटा सा अवसर निकल गया मंदिर में अब सड़ के उपाया घुमाया पूछ जाता जाता अब दृष्टिया डरी राम 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 अब तो कह रहा है मौत आ गई जीतों को ऐसे लगा उलट पुलट लंका अपनी जान राम के आगे हाय फ्राय करने लगी बेचारे बधु जो कुंभ करने की पसारा हाँ तो बाकी है दुहाई राम चंद्र के रंगोर कंध राखी वो सूते सूते ज्यादा आग्री हो जाएगी मरने से पहले ही सूते सूते बस राम नाम से तो उसकी स्त्री ने कहा भगवान बधो तो कुंभ करनी पसार पाणी भागी दुहाई राम चंद्र के रंगोर कंध राखी पढ़ो 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 पढ़ाओ मनो आकाश थे नदी किसानों की बात आकाश हमारे अग्नि की नदी आ गई है जी तो लंका में विभीषण रह जा भगवान की इच्छा अपने तिलका भी हो सके तुम क्या हो सके विभीषण के भगवान का नाम लिखा हुआ जगह तुलसी लगी हुई देख कब हर्ष कपिला तुलसी दे दे खुश हो गए भगवान राम नाम अंकित करिए देख भगवान का नाम था वो नाम रे सब बजा राम जी महाराज।